चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम अ हाइट डी अबव द ग्राउंड, इट हिट्स द ग्राउंड एंड बाउंसेस अप वर्टिकली टू अ हाइट डी बाई टू, यानी डी से छोड़ा गया था डी बाई टू, हाफ डिस्टेंस पे वो ट्रेवल करके पहुंच रही है। द निगलेक्टिंग सब्सिक्वेंट मोशन एंड एयर रेजिस्टेंस, इट्स वेलोसिटी वेरीज विद द हाइट एच अबव द ग्राउंड। तो ये ग्राउंड कंसिडर कर लो, यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है जो डी डिस्टेंस पे है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है तो स्पीड बढ़ती जाएगी और यहाँ पर वेलोसिटी हो गई, एज्यूम कर लो भी। उसके बाद से बाउंस बैक करके फिर से ये बॉल गई, अब सिर्फ डी बाई टू तक ये पहुँची, यानी वेलोसिटी कम हो गई होगी, वेलोसिटी हाफ हो गई होगी, करेक्ट है। ठीक, तो हम ये जानते हैं और ये ग्राफ जो बना हुआ है वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ है, वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच में, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो वी, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाना है, वर्ड यूज कर रहा है ड्रॉप, देखो ड्रॉप वर्टिकली, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, टू ए एस, तो वेलोसिटी का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हुआ, अगर एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है तो ये कर्व होगा, कर्व होगा क्योंकि वेलोसिटी का पावर 2 है, डिस्प्लेसमेंट का पावर 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है एक कर्व होगा। तो इस इक्वेशन में ये वाला सी वाला ऑप्शन कट कर दिया हमने, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन हो नहीं सकता, वेलोसिटी और डिस्टेंस के ग्राफ में स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, कर्व हो सकता है, ये चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं वेलोसिटी, जब ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, एज्यूम कर लो नीचे की डायरेक्शन को निगेटिव मान लेते हैं, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है, उसके बाद से ग्राउंड पे पहुंचा, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदला और ऊपर की तरफ गया, तो शुरू में निगेटिव डायरेक्शन, बाद में पॉजिटिव, शुरू में निगेटिव, निगेटिव ये नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ही वेलोसिटी निगेटिव है, यहाँ दोनों ही वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है, जबकि ये इस वाले पार्ट में वेलोसिटी जीरो थी क्योंकि ड्रॉप किया था, वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हुई, वी मैक्स हुई, उसके बाद से जब ग्राउंड पे हिट किया डायरेक्शन बदल गई वेलोसिटी की, सडन पहले पॉजिटिव था अब ऊपर जा रहा है, यानी निगेटिव, या सॉरी इसमें निगेटिव था, शुरू में निगेटिव था अब पॉजिटिव जा रहा है, निगेटिव था अचानक से पॉजिटिव हो गया वेलोसिटी, और ये ग्राफ और ये डी बाई टू डिस्टेंस पे आके यहाँ पर ये डी बाई टू हो गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक डी था, तो ये ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।